भेड़िया बनकर जल्द ही वरुण धवन बड़े पर्दे पर उतरने वाले हैं। आजकल ये अपनी फिल्म के प्रमोशन में भी बिजी चल रहे हैं। कृति सेनन संग इनकी फिल्म में जोड़ी बनी है। दोनों इससे पहले फिल्म दिलवाले में नजर आए थे। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे काफी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला था। ऑडियंस को वरुण धवन का इच्छाधारी भेड़िया का रूप काफी पसंद आया है और फिल्म के प्रमोशन में वरुण धवन कोई कमी नहीं कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर सभी चौंक गए हैं। उन्होंने अपने रोल के साथ कुछ अपनी पर्सनल लाइफ की भी चीजें शेयर कर दी है। उन्होंने क्या क्या बताया है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल वरुण धवन का कहना है कि वो वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में एक व्यक्ति अपनी बॉडी का बैलेंस खो बैठता है और पेंडेमिक के बाद जब चीजें धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई तो वरुण धवन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें खुद को प्रेशराइज भी करके काम के प्रति आगे ढकेलना पड़ा। न चाहते हुए भी वरुण धवन को काम से ब्रेक लेना पड़ा। जब वरुण धवन को अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला तो वो काफी दुखी हो गए थे, शटडाउन महसूस करने लग गए थे और खुद को आगे बढ़ाना उनके लिए काफी चैलेंजिंग रहा। कोविड-19 के बाद जब वरुण धवन ने काम पर वापसी करनी चाहिए तो उनके सामने कई चुनौतियां आई। वरुण धवन ने कहा कि जब हम घर के दरवाजे खोलते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हम उसे रेट रेस में शामिल होने जा रहे हैं? जो घर के बाहर चल रही है, यहाँ बैठे कितने लोग ये बात कह सकते हैं कि वो बदले हैं? मैं देखता हूँ कि लोग पहले से ज्यादा मेहनत करके काम करने लगे हैं। मैंने खुद को फिल्म जुग जुग जियो के लिए इतना प्रेशराइज किया कि मुझे महसूस होने लगा कि मैं किसी कलेक्शन में तो भाग नहीं ले रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैंने खुद को इतना स्ट्रेस और प्रेशर में क्यों डाला है, लेकिन मैंने किया। वरुण धवन ने आगे कहा कि कुछ दिनों पहले ही मैंने ये बात अपना ली थी कि मुझे ये बीमारी है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि बैलेंस जरूरी है लाइफ में, पर मेरा तो यही बैलेंस बिगड़ गया है। बहरहाल सभी फैंस वरुण धवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।